विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की हम बात कर चुके हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को एक माइक्रो इंजेक्शन, एक निडल की हेल्प से हम रिमूव करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सेल्स होती है उनके हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मतलब ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है बेसिकली ये किसके लिए होता है? बेसिकली ये होता है, इसका जो परमिसिबल यूज है फॉर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो इनमें से जो जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है उसी को हम एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जॉन्डिस दिया है, बिल्कुल सही, जॉन्डिस पहला ही हो जाएगा। जॉन्डिस एक वायरल कंडीशन है, वायरल डिसीज है जिसको आप हेपेटाइटिस बोलते हैं कॉमन टर्म में। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसको आप एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी वो कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन कैटेगरी इजी कैटेगरी।